तो हेलो दोस्तों, ये आज मैंने सेल्फी स्टिक ली थी तो मैं इसका लाइटिंग वगैरह चेक कर रहा था नाइट में कि मतलब 500 रुपये खर्च करें तो कंपनी ने मेरे को लाइट वगैरह ठीक दिए नहीं दिए। अब गरीब आदमी है तो भैया सोच तो पड़ता ही है, देखना तो बनता ही है। तो मैंने कहा एक वीडियो भी बन जाएगी इस बहाने, और तो आप लोग बताना मुझे कि लाइट वगैरह इसकी ठीक है नहीं है, है ना। और अभी मैं कंपनी से आया था, खाना वाना खा के मैंने सोचा थोड़ा टहल वगैरह लेता हूँ। और करण, हाँ तो मैंने कहा थोड़ा टहल भी लेता हूँ, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, और थोड़ा मेरे को इसके बारे में पता भी चल जाएगा, लाइटिंग के बारे में, लाइट वगैरह इसकी की खुली है। गोलू, ओए गोलू, कहाँ है रे गोलू? अभी ये कौन बेटा है? ऐसे भी लेटा है? गोलू गोलू, ओए क्या हुआ करण? बात सुन, इधर आएगी यहाँ पे गोलू भी लेटा है यार। दुकान में सो रहा है? दुकान में सो रहा है, दुकान भी खुली है इसकी, पता नहीं, देख यहाँ पे लेटा हुआ है। पकड़ते हुए मैं उठाता हूँ इसको। ओए वन वन, ओए चादर भी लाल ओरिजिनल वन ब्लू, ओए उठ तो, अभी नींद आ जाए इसको। मोरे वाली बोलू, ओए ऐसे क्या सो रखा है लाल चादर ओढ़ के? हैं बे और चादर भी लाल उड़ी है। अभी दुकान पर लीजिए, तेरी बाहर कैसा है? बाहर कैसा है मुझे क्या पता, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मैं तो अंदर बैठा था। हैं? मैं तो अंदर बैठा हूँ यार, बाहर कैसा है मैं पता नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया। तू अंदर लेटा था क्या? ये चादर, ये दूसरी चादर है भाई। हैं? दूसरी चादर है, रंग की तो चादर नहीं है कोई। क्यों तेरे पास पहन, ये तो तू नहीं उड़ी थी, हमने जो क्या उड़ाई? समझ गया क्या, क्या हो गया भाई गोलू भाई? चादर फोन गिरा, अपना फोन उठा लो। क्या हो गया? प्रैंक कर रहा हूं। नहीं भाई, हम क्यों प्रैंक करेंगे, हम तो टहलने आए थे। हमने आपको देखा यहाँ पे गिरा हुआ, आप ऐसे लेटे थे। बाहर कैसे आए थे मुझे, हमें नहीं पता, हम तो यहाँ टहल रहे थे। मैं तो अभी भाई सेटर हमने कुछ नहीं उठाया, सेटर हमने उठाया मेरे भाई। बाहर कैसे आ रहा है? हमें क्या पता लाल चादर किसने डाली है, तो इस रंग की तो कोई चादर ही नहीं है मेरे पास भाई। चल भाई, तो हमें क्या पता यार मेरे भाई, समझ गया फ्रेंड। अरे भाई हम क्यों करेंगे आपके साथ प्रैंक? हो गया था, मुझे नींद आ गई थी, मैं तो अच्छा खासा स्वेटर बंद था, ना इस रंग की चादर थी, कोई चादर ही नहीं थी मेरे पास। मैं जस्ट अभी खाना, अभी कंपनी से आया, खाना वाना खाया, मैंने कहा थोड़ा घूम लेता हूँ, नई सेल्फी स्टिक ली थी उसकी लाइट वगैरह चेक कर रहा था, तो आके देखा मैंने तेरी दुकान की लाइट खुली है, स्वेटर खुला हुआ है, तब जाके मैंने तुझसे बोला। रवि भाई यहाँ पर ये स्वेटर भी बंद था, मैं यहाँ पर लेटा था। तू कहाँ लेटा था? मैं सोता हूँ, मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेटा था। अच्छा, मैं टीवी देख रहा था, मुझे टीवी पर नींद कर सो गया था, मैं आधे घंटे पहले ठीक है नींद आ गई थी। अच्छा, और अब ये बताओ स्वेटर इतना यहाँ पर फेंका है, स्वेटर उठाया, चादर कहाँ से आई? ये नहीं पता भाई गोलू भाई, तो तू तू कब से लेटा है? हमने तुझे सडन नहीं देखा अभी, तेरा सेटर भी खुला था और तू भी लेटा था। पता है मैं सोता हूँ अंदर, हाँ अंदर ही तो सोता हूँ। अरे दूध तो नहीं है, दूध कहाँ से आएगा? हाँ होगी सर यहाँ ना, मुझे मैं सोता हूँ तो रात में मतलब आवाज़ें आती हैं, मतलब कहीं पैर की आती है चलने की, पैर की छन छन, मुझे अलग अलग आवाज़ें आती रहती हैं, कोई जैसे आवाज़ लगा रहा है बाहर से, जैसे करण आवाज़ लगा रहा है। क्या कह रहा है? ऐसी आवाज़ आती है, क्या करूँ? तो ये बताओ पहले मैं बाहर कैसे आ रहा हूँ यहाँ पर? हमें नहीं पता गोलू भाई, हमें नहीं पता ये चादर, ये भाई तू लाया होगा गलती से, तूने रखी होगी दुकान में, तुझे याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा, बाय द वे तेरे से आ गई होगी हो। हम तो अभी घर से आए, मैं तो घर से आए, इन्होंने बुलाया मुझे चाचा ने। कौन आया फिर यहाँ जो मुझे बाहर निकाला?
हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई, हम तो तुझे देख रहे थे और जो तुझे उठाने की कोशिश भी प्रैंक कर रहे हैं भाई, हम प्रैंक नहीं कर रहे हैं तेरे साथ, हमें क्या मिलेगा प्रैंक करके, इतनी रात को कौन प्रैंक करेगा, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर कैसा आया, मैं अच्छा खासा अंदर सो रहा था, मैं पेड़ के पीछे कौन रे दे, अरे डॉगी था यार, डॉगी था, अरे इसमें पूरा सस्पेंस, एक तो गोलू भाई की स्टोरी भी इतनी हॉरर थी और ऊपर से डॉगी को देख के मैं खुद सस्पेंस में आ गया, लेकिन गोलू भाई ये बताओ आप बाहर कैसे आए, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं बाहर कैसे आया, मैं तो अंदर लेटा था, गाय से काफी दिक्कत हो गई है अभी, यहाँ पर हमने देखा सडनली गोलू भाई यहाँ पर लेटे हुए थे और गोलू भाई को खुद नहीं पता कि वो यहाँ आए कैसे, और ये भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी रेड वाली चादर इनकी नहीं है, चादर उड़ी थी लाल वाली, एक बार रात के टाइम में मैं भी देख रहा था यार चादर, मेरे को भी मैंने भी देखी, और मैंने तो कहावत भी सुनी है कि इस रोड में एक रेड कलर की वो लेडीज का एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से यहाँ वो घूमते रहती है, टीवी भी चली है गोलू भाई की यहाँ पे, लाइट भी चली है, फैन भी ऑन है, आप देख सकते हैं भाई, पैसे पैसे भी गायब है इसमें, पैसे भी गायब है, क्या कह रहे हो यार गोलू भाई, लग रहा है मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चोरी हुई है, 5,000 रुपए रखे थे मैंने यहाँ पे, वो गायब है भाई, कहाँ गए, ये काफी गाइस सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, गाइस यहाँ पे काफी सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, गोलू भाई के पैसे गायब हो गए ऐसा गोलू भाई का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि वो रात को सोए थे अंदर और वो पता नहीं कैसे बाहर पहुंच गए, और उनके पास ना ही ये रेड कलर की चादर थी, और इस पता नहीं कैसे इनके पास चादर आ गई, गोलू भाई हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं यार, वो आप ही बता सकते हो, पानी तुम मुझे बताओ, मैं बाहर कैसे आया, पैसे ऐसे छोड़ दो, पैसों की दिक्कत नहीं है मुझे, बताओ यहाँ पर कौन आया, ये चादर किसने डाली, चादर किसने डाली, चादर, ओ भाई क्या डॉग घूम रहे हैं, मैं डर गया सडनली, टिली भाई इसको देख के ना एकदम, मैं क्या कह रहा हूँ अगर तुम बता तो सही, क्या बताऊँ मैं बाहर कैसे आया, वही तो हम तब से पूछने जा रहे हैं बाहर, ये तो मुझे खुद नहीं पता है, सेटर में मैंने यहाँ पर को सेटर ऐसे बंद करा था, ताला भी नहीं लगाया था, तू यार बताऊँ, तुमने देखा कल तू आया था पहले इधर पे, नहीं तो मैं तो खाने खाने के बाद टहल रहा था, खाली फोन वोन चला रहा था, फिर तुमने बुलाया मैं तभी आया, अरे मैं था मैं यहीं सोता हूँ, ठीक है रात में मैं खाना वाना खा के आया 8:30 बजे, पापा गए यहाँ पर 9 बजे, मैं यहीं सोता हूँ, मैं तुम जाओ 9 बजे अब मैं यहीं सो जाता हूँ, और मैंने 1.5 घंटा टीवी देखी, मुझे नींद आने लगी, टीवी बंद नहीं करी, तुम देख रहे हो ऐसी आवाज कम करी, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया, और अभी नींद खुली तो तुम लोगों यहाँ पर, और मैं यहाँ पर यही चाकर आई हूँ, बताओ फिर बताओ, और इसको बताओगा गोलू भाई, ये सब तो सिर्फ आप ही जान सकते हो, भूत वगैरह तो नहीं आते हैं यहाँ, ये नहीं पता है पर, गोलू भाई आप लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारे संग प्रैंक कर रहे हो, जैसा आप ये सब बोल रहे हो, क्या है रात में हम सोते हैं तो पूजा लगती है, वॉशरूम लगती है, एक बार लगती है नहीं लगती है ये बात, तो मुझे लगती है, तो मैं क्या करता हूँ बाहर आता हूँ, मतलब नींद खुल जाती है, एक दो बजे के टाइम सबकी खुलती है, एक बार अच्छा अच्छा खुलती है, तो मैं यहाँ पर ऐसी मुझे आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मुझे ऐसा लगता है तुम आवाज़ दे रहे हो, अच्छा मतलब ये कब से हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, पर मैं इग्नोर करता हूँ, तो छोड़, कितने रात कितने बजे के टाइम पे ये होता है, 12 से 3 बजे के बीच में होता है, 12 बजने वाला भी है, 12 ही बज रहा है अभी तो, गाइज ये है हमारा चौराया जिस पर ये सस्पेंस क्रिएट हो रहा है और जिस पर ये घटनाएं काफी सुनी जा रही है, और मैंने भी काफी सुना है इस चौराहे के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं, अभी यहाँ पे आपको अंधेरे में साफ नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें काफी घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं, अब क्या इस पर डर जाता है तो कहते हैं आपको उसका डर उतारते हैं, और डर जो होता है यहाँ पर बैठ जाता है, और जिसको जिसकी घर कमजोर होती है, पता नहीं क्या होता है घर, अरे मुझे नहीं पता है, उसके ऊपर आ जाता है, तो अब मुझे रात में आवाज़ भी सुनाई देती है, मैं सोचता हूँ चलो हो गए अभी भाई होंगे, आवाज़ दे रहे होंगे, सो जाओ, मैं सो जाता हूँ, चले जाएंगे, इग्नोर, फिर कभी इसकी सुनाई देती है, कभी किसी कभी हिंदी,
कभी ऐसा लगता है मम्मी आवाज आई, मम्मी आई है। वो सब एक बार तो बाहर भी आया। तो सपने वगैरह भी आते हैं? सपने भी आते हैं। अच्छा गोलू भाई, काफी रात बीत चुकी है, अब आप ऐसा करो रेस्ट करो, बाकी की इन्वेस्टिगेशन हम सुबह करते हैं। और गाइस हमारा आज का यही मोटिव है यहाँ पर कि ये चौराहे पर काफी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और हम और हमारी टीम जल्दी इस चौराहे के ऊपर रिसर्च करेंगे और जल्दी इस पे पार्ट टू भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।